हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। जहाँ भी होंगे तो हम भी एकदम बढ़िया है। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है इन खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम गुसाई पे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टीम का सदस्य बनिए, जो कि एक बहुत सुंदर बात है। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्सों में बताया था कि हमारे क्रिकेट मैच चल रहे हैं, तो आज हम जाने वाले हैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए। तो आज हमारा सेमीफाइनल होगा और अगर हम सेमीफाइनल विन करते हैं तो हम फाइनल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद फाइनल खेलेंगे। तो मैं घर से तो निकल चुका था, अभी निकला हूँ, लगभग अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, और नाश्ता भी मैंने किया नहीं है क्योंकि हमारा 10:30 बजे का मैच है। तो ये काफ़ी जल्दी मैच है और जगह भी बहुत दूर है, बहुत दूर हमें जाना है, तो इसलिए हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ा। तो जगह का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सी जगह पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये हो रहा है पानी सैंड, जो पड़ता है हिरखनी खाल के साइड। तो हमारी टीम पहली बार उधर साइड गई है क्रिकेट मैच खेलने के लिए और पहले ही अटैम्प्ट में हम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और उम्मीदें तो यही हैं कि हम वहाँ से फाइनल विन करें, तो वो तो देखते हैं क्या होता है आगे। कल भी हमारा वहाँ क्वार्टर फाइनल था, तो जो हमारी बाकी टीम के सदस्य थे, बाकी खिलाड़ी थे, वो तो वहीं रुक गए थे क्योंकि वहाँ से यहाँ अप एंड डाउन करना बहुत दूर हो रहा था। तो उन्होंने बोला वहीं रुक लेते हैं एक दिन। और हम 3-4 बंदे घर आ गए थे जिनका काम था, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से फिर से वहीं 50 किलोमीटर करीबन यहाँ से उस जो वो जगह होगी जहाँ मैच हो रहा है। तो घर से तो हम निकल चुके हैं और मैं अभी चुंडाई के नीचे हूँ, बस चुंडाई पहुँचने ही वाला हूँ और उसके बाद चुंडाई में पहुँच के उसके बाद निकलते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं अब आपको चुंडाई पे। तो दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं चुंडाई मार्केट पे और अब इसके बाद निकलते हैं। भाई भी आने वाले हैं जिनके साथ मैं जाने वाला हूं। तो दोस्तों फिर चलते हैं यहां पे से, यहां पे काफ़ी भयंकर ठंडी हवा चल रही है चुंडाई पे, तो निकलते हैं यहां से फटाफट। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पानी सैंड में और हमारा मैच भी शुरू हो चुका है सेमीफाइनल का। तो अभी यहाँ पे टॉस प्रक्रिया हुई थी और हमने टॉस विन किया था, तो हमारे कप्तान ने यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग चुनी है। तो इससे पहले भी जो हमने मैच खेले उस पर भी हमारी फर्स्ट बैटिंग ही थी, तो वो सारे मैच हमने विन करे हैं। तो आज देखते हैं आज कैसा रहता है मुकाबला। तो अभी हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल चल रहा है, तो एक टीम तो ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुकी थी, उनका कल हो चुका था मैच, तो आज हमारा है फर्स्ट सेमीफाइनल और उसके बाद होगा फाइनल। तो चलिए फिर अब आपको मैच दिखाते हैं क्या क्या होता है। चलिए अरे भैया भैया मैंने भैया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बोल। बॉल यार, बॉल बॉल
काफी छोटा रिलेशन का ओए तो हमारी टीम का स्कोर हो चुका है 5 ओवरों पे 66 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं। 2 विकेट सस्ते में गिरे लेकिन अब थोड़ी पकड़ बना ली है हमारे बैटरों ने, तो काफ़ी बढ़िया मैच हो रहा है अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है फिर आगे। अरे बढ़िया यार, अरे बढ़िया, एक और छक्का फौजी के बल्ले से। ले फिर, अबे यार अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, और छक्का, और यहाँ पे छक्कों की बारिश होती हुई बहुत ही खतरनाक। 106 रन हो चुके हैं हमारे लैंस डाउन की टीम के, तो काफ़ी मस्त बैटिंग चल रही है अभी तक, उड़ान मचा रखी है दोनों बैट्समैनों ने। हमारे 2 विकेट सस्ते में चले गए थे लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया हमारे बैटरों ने, तो 106 रन बना दिए हैं 8 ओवरों में, अभी 2 ओवर बाकी है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट ओवर रखा है इनिंग का और फेस करेंगे हमारे फौजी भाई। तो दोस्तों सेमीफाइनल तो हमने विन कर लिया है और काफ़ी रोमांच मैच रहा था सेमीफाइनल, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैंने बॉलिंग नहीं दिखाई। तो हमने फर्स्ट बैटिंग करके 140 रन का टारगेट रखा था दूसरी टीम के लिए, अपोनेंट टीम के लिए, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और लास्ट में 6 बॉलों में चाहिए थे 21 रन तो वो बना नहीं पाए और उसके साथ हमने विन कर लिया था ये सेमीफाइनल। और अब हमारा फाइनल मैच होने वाला है, तो फिलहाल अभी हमें रेस्ट मिला है, अभी थर्ड प्राइज़ के लिए यहाँ पे फाइट होगी जो सेमीफाइनल में हारे थे, जो एक हमारे साथ हारी और एक कल जो सेमीफाइनल हुआ था उनके बीच में जो हारी थी, तो अब दोनों टीमों का मैच चल रहा है और इन दोनों में से जो जीतेगा वही थर्ड का दावेदार होगा और उस मैच के बाद हमारा फाइनल होगा। तो हमारा फाइनल मैच होने वाला है देवो खाल के साथ, तो फिलहाल अभी इनके मैच का आनंद लीजिए और उसके बाद फाइनल का मैच आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फिर दोस्तों चलते हैं, अगर वीडियो में मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर यार हम टकरी बोले अच्छा कैच कर रहा हूं उठाकर मारा, फिर जितने पे कह जाते हैं ये सीधे कैच पकड़ा गया फील्डर के हाथ में और उठाकर मारा देखते हैं और सीधे कैच पकड़ा विकेट कीपर के स्थान में और इस प्रकार छठा विकेट गिरता हुआ भेदाओं का बैट्समैन सौरभ, अच्छा सौरभ के खाते में
तो दोस्तों हमने फाइनल में टॉस विन कर लिया है और मैच भी प्रारंभ हो चुका है, तो हमारी फर्स्ट बैटिंग है। फिर से ओपनर हमारे जा चुके हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा फाइनल। तो चलिए फिर चलते हैं। बढ़िया बस बस चार रन काम आ रहे वेरी बढ़िया ओए यार खड़ी है चाल चल नहीं है Two hours later. तो दोस्तों फाइनली हम विनर हो चुके हैं फाइनल मैच के और काफ़ी अच्छा मैच रहा। फिर उसे बॉलिंग नहीं दिखा पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैच का अंतिम जो निचोड़ गया है वो हम फाइनल जीत चुके हैं, तो बस अब यहाँ पे फाइनल सेरेमनी चल रही है। दोस्तों ये सारी हमारी टीम है। तो ये थी लैंस डॉन टाइगर जिन्होंने फाइनल विन किया है। तो महिला मंगल दल भी आ चुकी है यहाँ से पानी से आंटी, तो वो ही फाइनल में सारे सबको सम्मानित करेंगे। चलिए फिर जो अध्यक्ष Yeah.
बहुत बढ़िया कोच आ गए कोच अब ये काम करो तुम्हारा हो गया दोस्तों। हमारे साथ है सूरज भाई जो यहाँ के आयोजन करता रहा है इस बार। तो भाई ने यहाँ जो मैच करवा रखा था, टूर्नामेंट तो हर कोई करवाता है, लेकिन इस प्रकार से करवाना हर कोई किसी के बस की बात नहीं है। मतलब हर टीम के लिए खाना करवाना और इतनी अच्छी प्रोवाइड करना सब टीमों के लिए, तो बहुत बहुत बधाई। दिक्कत करने की कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि लड़के जो हमारे गाँव के थे पूरे साथ में थे, पूरी मतलब ग्राम सभा जो हमारी थी वो सब साथ में थे, एकजुट थे, इस वजह से प्रोग्राम होता है। सारे गाँव को एकजुट होना चाहिए और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो भाई जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। और दो दो तीन तीन टीम लेके आएंगे जिस हिसाब से आपने यहाँ टूर्नामेंट करवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये थे यहाँ के आयोजकर्ता जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैच करवाया। तो दोस्तों मैच फिनिश हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनल की खुशी कुछ इस कदर से मनाई जा रही है कि छत में जाएंगे अब हमारे मेन बॉलर, मेन बैट्समैन और हमारे ऑलराउंडर प्लेयर। हाँ भाई,